नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राधिका किचन में स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मकर संक्रांति में खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी बनाया, तो देखिए कैसे बनाती हूँ, मेरी खिचड़ी कैसे बनती है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं खिचड़ी बनाने की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दाल लिया है, उड़द की दाल। तो हाफ कटोरी मैंने उड़द की दाल लिया है, और चावल लिया है, और मूंग की दाल लिया है, और कुछ मटर के दाने लिए हैं। ये मैंने सामग्री लिया है। एक बर्तन में डालकर इसे हम सारे अच्छी तरह से पानी धो लेंगे। एक बर्तन में ऐड करते हैं, इसमें हम पानी डाल देते हैं, एक आधा लीटर हम पानी डाल देंगे। तो इसको धोने के लिए कम से कम, इसको धोने के बाद हम कम से कम इसको 5 मिनट रख देंगे। तो थोड़ा सा ये भीग जाएगा ना, तो चावल तो भी अच्छा बनते हैं। तो पानी निकाल के इसको हम इसे छोड़ देंगे, सारे पानी निकाल देना है। तो आप कुकर चढ़ाते हैं, कुकर में घी डाल देते हैं। घी 1 या 2 चम्मच डालना है। तो घी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है खिचड़ी में। तो उसके बाद थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच करीब जीरा डाल देंगे हम। इसमें भी भून लेंगे थोड़ा, उसके बाद इसमें अदरक डाल देंगे, अदरक और हरी मिर्ची दरदरा पिसा हुआ ये डाल देंगे 1 चम्मच 1.5 चम्मच करीब। जो मैंने अदरक दिखाया ना वो डाल देंगे इसमें। तो 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देना है, पहले तेल में डाल देना घी में, तभी बढ़िया खिचड़ी में फ्लेवर आता है और कलर भी अच्छा लगता है। उसके बाद हम खिचड़ी का सामग्री डाल देंगे, एक साथ डाल देंगे। अभी भीज गए ना, करीब हमने 5 मिनट इसको धोने के बाद ऐसे रख दिया है, तो अच्छी तरह से ही सॉफ्ट हो गई। अब पकने में भी खिचड़ी बहुत आराम से पक गई। इसको अच्छी तरह से हिला देंगे हम। तो इसको 5 या 6 मिनट तक इसको ऐसे फ्राई करेंगे, तभी खिचड़ी टेस्टी बनती है। अच्छी तरह से घी में फ्राई हो जाए तभी खिचड़ी का जो खाने का टेस्ट होता है तभी आता है। अब 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। हरी मिर्ची हमने 2 डाला है ना, तो आप चाहे तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं लाल मिर्ची की जगह। तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, तो इसे और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, सारे मिक्स हो जाएगा। आप इसमें भी हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा फ्राई करने के बाद। तो नमक ले आते हैं, थोड़ा सा ये डाल दिया हमने जीरा पाउडर पहले, जीरा पाउडर भी अच्छा लगता है, फिर नमक स्वाद अनुसार। अच्छी तरह से ला लेंगे, नमक मिला लेंगे इसमें। तो आप फिर डाल देंगे हम इसमें पानी, अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। तो आप खिचड़ी अगर ज़्यादा पतली खाना है, आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो 4 चम्मच डालूंगी 1 गिलास चावल में, तो 4 गिलास मैंने इसमें पानी डालना है, 4 बड़े गिलास से, मीडियम साइज के गिलास जो होते हैं उससे 4 गिलास पानी डालना है, तभी खिचड़ी अच्छी बनती है। अब इसको मिलाकर अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो कम से कम इसमें ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी आने देना है, और गैस का फ्लेम को हमको मीडियम साइज में रखना है। ज़्यादा लो में रखेंगे तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा गल जाएगी। मीडियम साइज में 1 सीटी लगाना है, तो तैयार होगी खिचड़ी हमारी। ये देखिए कितना बढ़िया बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आई है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी खिचड़ी बनी, देखिए आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए इस तरह से खिचड़ी, आपको अगर पतली खाना है तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन खिचड़ी नहीं तो ऐसे ही टेस्टी होती है। ये देखिए लाजवाब खिचड़ी है, 1 सीटी में तैयार हो जाती है खिचड़ी। 1 सीटी लगा दी मैं ऊपर से कुकर में बनाने से। ये देखो लाजवाब खिचड़ी, ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देते हैं, और आपकी मर्जी है, अचार के साथ खाए, सलाद के साथ खाए। और मैंने तो दही तैयार किया, दही के साथ खाऊंगी, क्योंकि यार दही टेस्टी होता है ना खिचड़ी में। थोड़ा सा अचार डाल देते हैं, साथ में दही लिया है। दही में मैंने चिली फ्लेक्स से चाट मसाला डालकर तैयार किया, काला नमक डालकर। तो ये मेरी आज की खिचड़ी बन गई, साथ में मैंने घी, घी बढ़िया होता है एकदम स्वाद खिचड़ी में। तो दोस्तों ये मेरी खिचड़ी तैयार होगी। तो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो